मेरे पास काफी सारा कमेंट आया हुआ था और उसमें पूछा गया था कि हम पासपोर्ट को देख के कैसे पता लगाएंगे कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है। सोगाज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक जो है मेरा पासपोर्ट है और ये जो है पासपोर्ट ये मेरे फ्रेंड का पासपोर्ट है। तो ये जो है ईसीआर पासपोर्ट है और ये यहाँ पे ईसीएनआर पासपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट उन लोगों को बनता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो उसको ये पासपोर्ट बनता है। तो वो सिर्फ ये पासपोर्ट को आधार कार्ड के बेस पे बना सकता है, जबकि ये पासपोर्ट जो है ईसीएनआर पासपोर्ट आपको कम से कम आपको 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और के वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कौन सा ईसीआर पासपोर्ट है और कौन सा ईसीएनआर पासपोर्ट है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप समझेंगे कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हाथ में यहाँ पे दो पासपोर्ट है, ये मेरा पासपोर्ट है और यहाँ पे ये मेरे फ्रेंड का पासपोर्ट है। इन दोनों में क्या फर्क है और क्या डिफरेंसेस है इसको मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो यहाँ इस तरीके से मैं फर्स्ट पेज ओपन करता हूँ। फर्स्ट पेज ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कि इस दोनों में आपको जो है स्टाम्प लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको दोनों सेम ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये स्टाम्प लगा हुआ है, ये स्टाम्प लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों आपको सेम मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज को ओपन करूंगा। नेक्स्ट पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे पूरा जो फोटो वगैरह आ जाता है इस तरीके से, और पूरा आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाता है और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहेगा, इसके बाद पासपोर्ट नंबर वगैरह रहेगा, आपको यहाँ पे सारा का सारा आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है इसके बाद ये जो ब्लैंक पेज आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर आप कोई भी कंट्री में जाते हैं तो आपको यहाँ पे स्टाम्प लगता है, इस पे स्टाम्प लगता है और इस पे स्टाम्प लग के मुहर लगता है और इस पे ही वीजा लगता है। जो भी कंट्री में जाते हैं वहाँ का इस पे वीजा लगता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसे नेक्स्ट पेज कीजिएगा तो इस तरीके से ये पेज अगर भर जाता है आपका, तो यहाँ पे जो ये पेज में आपका वीजा लगेगा, इसी तरीके से यहाँ पे ये पेज में आपको वीजा लगेगा। अगर कोई भी कंट्री में अगर आप जाते हैं जॉब के लिए या कहीं टूरिस्ट वीजा में घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको वीजा लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आपको अंतर नहीं मिलता है ये दोनों में। चलिए हम लास्ट पेज की बात करते हैं। लास्ट पेज में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये शो कर देता है, क्या होता है इस तरीके से। यहाँ पे हम आएंगे सिक्योर पेज में लास्ट से, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट का जो है पूरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है जो बार कोड मिल जाता है और यहाँ पे पासपोर्ट आपका नंबर मिल जाता है नीचे में, यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो है फादर नेम मदर नेम यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाता है, इसमें भी आपको यहाँ पे फादर नेम मदर नेम आपका पूरा एड्रेस आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा इग्रीमेशन चेक रिक्वायर्ड, मतलब ये उन लोगों को बनता है जो पढ़े लिखे नहीं है अनपढ़ होते हैं उनको ये पासपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए इग्रीमेशन चेक रिक्वायर्ड, तो ये जो बनता है पासपोर्ट सिर्फ आप आधार कार्ड के बेस पे आप ये पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जबकि ये पासपोर्ट देखिए, जबकि ये मेरा पासपोर्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो समझ जाए कि ये है ईसीएनआर पासपोर्ट, मतलब इग्रीमेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ा लिखा का जो पासपोर्ट है यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये मेरा पासपोर्ट है, यहाँ पे ये मेरे फ्रेंड का पासपोर्ट है, जो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ इग्रीमेशन चेक रिक्वायर्ड और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि यह है ईसीएनआर पासपोर्ट और यह है ईसीआर पासपोर्ट। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ईसीआर पासपोर्ट है और कौन सा ईसीएनआर पासपोर्ट है। ईसीएनआर का फुल फॉर्म हो जाता है इग्रीमेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड और यहाँ पे तो लिख रखा है इग्रीमेशन चेक रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आप इन दोनों में फर्क समझ सकते हैं कि कौन सा पासपोर्ट है ईसीआर पासपोर्ट और कौन सा ईसीएनआर पासपोर्ट है।
तो इस तरीके से आप इन दोनों पासपोर्ट में फर्क समझ सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।